इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक सूद के बगैर कर्ज लेकर अपना कारोबार करें या पहले से चलते हुए कारोबार को मजीद बढ़ाएं। 6 लाख से 30 लाख रुपए तक कारोबार के लिए कर्ज हासिल करें। कर्ज वापसी की मुद्दत भी पाकिस्तान में मौजूद बाकी तमाम बैंकों से ज्यादा है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंक 4 से 5 साल की मुद्दत के लिए कर्ज देते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताया जाएगा जो सबसे ज्यादा कर्ज की रकम दे रहा है और कर्ज वापसी के लिए मुद्दत भी बाकी बैंकों की निस्बत ज्यादा दे रहा है। 30 लाख रुपए तक कर्ज लें और वापस 6 साल में करें। आप इस बैंक से कारोबारी मकासद के लिए कर्ज ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक बिजनेस लोन के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 6 लाख से 30 लाख रुपए तक बिजनेस के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी 6 साल के लिए, और कर्ज भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक सूद से पाक। आज जिस बैंक के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसका नाम है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये बैंक पाकिस्तान के तमाम शहरों में काम कर रहा है और ये बैंक मुख्तलिफ कैटेगरी के कर्जे दे रहा है। आप इस बैंक से कारोबार के लिए कर्ज ले सकते हैं, आप अपना घर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं, आप सैलरी लोन ले सकते हैं, आप पेंशन लोन भी ले सकते हैं, आप काश्तकारी के लिए कर्ज ले सकते हैं, और इसके अलावा भी ये बैंक बहुत सी कैटेगरी के कर्ज फ्राहम कर रहा है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस लोन। ये बैंक 2 तरह के कारोबारी कर्ज दे रहा है। पहला तरीका रवायती है, जिसमें आपसे मार्कअप लिया जाएगा, और दूसरा आप इस्लामी तरीके से कर्ज ले सकते हैं। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन शरई असूलों और जाब्तों के मुताबिक इस्लामी बैंकारी कर रहा है और कारोबारी कर्ज भी बैंक के शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है। इस वीडियो में आपको शरिया बोर्ड की जानब से जारी किया जाने वाला फतवा भी दिखाया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में इस बैंक की 246 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को उनकी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए बड़े कर्ज फराहम करता है, ताकि ये कारोबारी अफराद इस सहूलत से फायदा उठाकर अपना कारोबार बढ़ा सकें। रिटेलर्स, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे, स्कूल मालकान खाम माल और जरूरी कारोबारी सामान खरीदकर अपने कारोबार को तरक्की दे सकते हैं। ये बैंक 2 तरह के इस्लामी कारोबारी कर्ज दे रहा है। पहली कैटेगरी में आप 6 लाख तक कर्ज ले सकते हैं और दूसरी कैटेगरी में आप 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्स बताई जाएंगी, आपको कर्ज अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा और आपको किन शराइत पर बैंक से कर्ज मिलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर्ज ले सकते हैं, कर्ज अप्लाई करने के लिए दरखास्त फीस कितनी ली जाएगी, कौन से अफराद ये कर्ज ले सकते हैं और इस बैंक की ब्रांचेस पाकिस्तान के कौन से शहरों में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बैंक का हेल्पलाइन नंबर भी बताया जाएगा। ये तमाम मालूमात स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस बैंक छोटे और दरमियाने दर्जे के कर्ज देने वाला इदारा होता है, जो कि बड़े बैंकों के मुकाबले में बहुत कम वक्त में कर्ज फराहम करता है, और इस वक्त पाकिस्तान में बड़े बैंकों के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्ज माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहे हैं। सबसे पहले आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के शरिया बोर्ड की जानब से जारी किए जाने वाला फतवा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी यू बैंक की वेबसाइट से ये फतवा डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है अपना कारोबार मरहबा फाइनेंसिंग। इस कैटेगरी से आप अपने कारोबार के लिए सामान की खरीदारी के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप कर्ज की रकम से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, अपनी दुकान के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं, आप मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, आप सोलर पैनल खरीद सकते हैं, इस कर्ज से आप लोडर रिक्शा भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस कर्ज से आप सवारी रिक्शा भी खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपने पहले से चलते हुए कारोबार को मजीद बढ़ाने के लिए भी ये कर्ज ले सकते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस कैटेगरी से आप 6 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 3 साल है। कर्ज लेने वाले को मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। कर्ज लेने वाले की वफात या मुस्तकिल मजदूरी की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी बैंक को बाकी रकम अदा करेगी। ये कर्ज आप इंडिविजुअल गारंटी यानी जाती जमानत पर ले सकते हैं या इसके अलावा किसी और से भी अपनी जमानत दिलवा सकते हैं।
कर्ज की वापसी बराबर महाना एक साथ में करनी होगी। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कर्ज अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। कर्ज लेने वाले के पास शिनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, कर्ज लेने वाले के पास जमानती के शिनाख्ती कार्ड की भी कॉपी होनी चाहिए, आपके पास अपनी और जमानती की पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, आपके पास अपने और जमानती के यूटिलिटी बिल्स की कॉपी होनी चाहिए, और अगर आपकी जमानत देने वाला जॉब करता है तो उसकी रहायश का यूटिलिटी बिल देना होगा। आप जमानत अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से भी दिलवा सकते हैं। ये कर्ज अप्लाई करने के लिए आप दरखास्त फॉर्म यू बैंक की किसी भी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। कर्ज अप्लाई करने की दरखास्त फीस कर्ज की रकम का 3% ली जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप 1,00,000 कर्ज अप्लाई करेंगे तो आपसे 3,000 रुपये दरखास्त फीस ली जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, अपना कारोबार प्रीमियम मुराहबा फाइनेंसिंग। ये कर्ज भी आपको कारोबारी मकासद के लिए दिया जाएगा। इस कर्ज से भी आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को मजीद बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस कैटेगरी से आप कारोबार के लिए 30,00,000 रुपये तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत कम से कम 6 माह है और ज्यादा से ज्यादा कर्ज वापसी की मुद्दत 5 साल है। कर्ज की वापसी महाना एक साथ में की जा सकती है। इसके अलावा आप हर 6 माह बाद अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। परेशानी से पाक प्रोसेसिंग होगी। मुफ्त फैमिली इंश्योरेंस भी दी जाएगी। इस कैटेगरी में खवातीन को तरजीही बुनियादों पर कर्ज फराहम किया जाएगा। 30,00,000 तक कर्ज लेने के लिए जमानत देना जरूरी है। सोने के जेवरात, सोने के बिस्किट या कोई और जेवरात आप जमानत के तौर पर बैंक को दे सकते हैं। इसके अलावा आप कारोबारी जायदाद या रहायशी जायदाद के कागजात भी जमानत के तौर पर दे सकते हैं, या इसके अलावा आप जाती गाड़ी के कागजात जमानत के तौर पर दे सकते हैं। आप जरई जमीन के कागजात देकर या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जमानत के तौर पर देकर 30,00,000 रुपये कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा आप कमर्शियल गाड़ी लेकर भी अपना रोजगार कमा सकते हैं। कमर्शियल गाड़ी खरीदने के लिए भी आप 30,00,000 रुपये तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में तैयार की गई कोई भी नई या इस्तेमाल शुदा गाड़ी महाना किस्तों पर ले सकते हैं। गाड़ी के लिए कम से कम 20% डाउन पेमेंट अदा करनी होगी। कर्ज की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 7 साल है। कर्ज की वापसी बराबर महाना एक साथ में करनी होगी। कर्ज लेने पर गाड़ी की इंश्योरेंस और ट्रैकर की सहूलत भी आपको दी जाएगी। कमर्शियल गाड़ी कर्ज के लिए कम से कम कागजात दिए जाएंगे। आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए। आपके पास कारोबार का सबूत होना चाहिए। ये चंद जरूरी कागजात देकर आप कमर्शियल गाड़ी कर्जा ले सकते हैं। जब भी किसी बैंक से कर्ज लें तो बैंक के नुमाइंदे से मौजूदा शराइत मालूम कर लिया करें, ताकि आपको कर्ज अप्लाई करने से पहले बैंक की तमाम शराइत के बारे में मालूम हो और कर्ज अप्लाई करते वक्त या कर्ज मिलने के बाद आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी बैंक से कर्ज लें तो अपनी जरूरत के मुताबिक ही कर्ज लें। ऐसा ना हो कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज लेकर परेशानी में मुब्तला हो जाएं और बाद में कर्ज वापसी में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो जरूरी कागजात के साथ आप बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर बैंक की ब्रांचेस के एड्रेस भी देख सकते हैं। इस बैंक की ब्रांचेस पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं। आप इनकी हेल्पलाइन नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके भी कर्ज के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज लेने के मुतालिक आपको तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। उम्मीद है आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक बिजनेस लोन के बारे में तमाम तफसीलात अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।